इजाज़त जी, इजाज़त। चलिए, अस्सलामु अलैकुम। बहुत मेहरबानी तशरीफ़ आवरी का, आप तशरीफ़ लाए। आज एक इंतहाई सेंसिटिव इशू के ऊपर आपसे डिस्कस करना है, आपसे बात करनी है, और ये करने के लिए मैंने अपने दो बहुत साथियों को, वलीद इकबाल साहब जो मेरे लेफ्ट के ऊपर हैं, सेनेटर थे, और अबू ज़र नियाज़ी साहब राइट के ऊपर, इनको भी आज मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो शामिल हों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ताकि जो इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं और जो उसके ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर ये रोशनी डाल सकें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक रिपोर्ट शाया हुई है, इट्स कॉल्ड पाकिस्तान 2023 ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, और ये शाया की है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और ये कवर करता है पीरियड 2022 एंड 2023। और इसमें जो ह्यूमन राइट्स की स्टेट पाकिस्तान में बयान की गई है, वो अगर आप भी पढ़ें, मैं ये कहूँगा रिजवान आप बचे, ये जो मुझसे लेके इसकी सॉफ्ट कॉपी सारों को, आई एम श्योर उनके पास होगी, लेकिन आप कर दीजिएगा, वो मेरे जैसे शख्स के लिए जो उस कमिटेड टू दिस कंट्री, शर्म से झुक जाता है। इसमें आप ह्यूमन राइट्स ले लें, इसमें आप फ्रीडम्स ले लें, कुछ भी ले लें, उन्होंने नहायत डिटेल के साथ इस चीज़ का बताया है आपको कि किस किस तरीके से इन फ्रीडम्स को, इन ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है, और बहुत सी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ दो एक मिनट में आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो जाए। सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इश्यूज इंक्लूडिंग क्रेडिबल रिपोर्ट्स ऑफ, नंबर वन, अनलॉफुल एंड आर्बिट्ररी किलिंग्स इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, इसके ऊपर बात की है इन्होंने। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, इसके ऊपर बात की है। टॉर्चर एंड केसेस ऑफ क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट बाय द गवर्नमेंट और इट्स एजेंट्स, इसके ऊपर बात की है। हार्श एंड लाइफ थ्रेटनिंग प्रिजन कंडीशंस, इसके ऊपर बात की है। आर्बिट्ररी डिटेंशन, इसके ऊपर बात की है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इसके ऊपर बात की है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इन अनदर कंट्री, आर्बिट्ररी और अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद प्राइवेसी, लोगों के घरों के ऊपर डाके डालना, उनके ऊपर रात के अंधेरे में उनको वायलेट करना, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना, इसकी बात की। पनिशमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स फॉर एलेज्ड ऑफेंसेस बाय अ रिलेटिव, इसके बारे में बात की है। सीरियस अब्यूजेस इन अ कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग रिपोर्टेडली अनलॉफुल सिविलियन डेथ्स एंड एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, ये भी सब्जेक्ट है इनका। सीरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया फ्रीडम, ये आपको कंसर्न करता है। इंक्लूडिंग वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट्स, ये भी बात की है। अनजस्टिफाइड अरेस्ट्स एंड डिसअपीयरेंसेस ऑफ जर्नलिस्ट्स, ये भी आपका सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात की है। सेंसरशिप के बारे में बात की है। क्रिमिनल डिफेमेशन लॉज जो हैं उसके बारे में बात की है, और लॉज अगेंस्ट ब्लास्फेमी, इसके बारे में बात की है। ये शायद हमें हमारे से ज़्यादा रेलिवेंट ना हो, लेकिन जर्नलिस्ट के बारे में जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। सीरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेट फ्रीडम, ये भी एक सब्जेक्ट है। सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस विद द फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में भी बात की है। इंक्लूडिंग ओवरटली रिस्ट्रिक्टिव लॉज ऑन द ऑपरेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये भी एक सब्जेक्ट है इसका। कोर्स्ड और फोर्स्ड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स टू अ कंट्री वेयर दे वुड लाइकली फेस टॉर्चर और प्रोसिक्यूशन, ये सब कुछ है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसमें हैं। इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि द गवर्नमेंट रेयरली टुक क्रेडिबल स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एंड पनिश ऑफिशियल्स हु मे हैव कमिटेड ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ेस। और इसके बाद इन्होंने ये, मैं सिर्फ एक बात और करूँगा, फिर मैं आई विल पास ऑन टू माई फ्रेंड्स, अ कल्चर ऑफ लॉलेसनेस परवेड्स इन द कंट्री। जो इसकी कंक्लूशन है वो ये है जी कि लॉलेसनेस का कल्चर जो है वो रियासत में इस वक्त फैला हुआ है। किसी के राइट्स, किसी की फ्रीडम्स, किसी की इज्जत, किसी की घर की चारदीवारी जो है वो कुछ भी रियासती गमाश्तों से महफूज नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव समरी है जिसमें से मैंने कुछ पढ़ के आपको सुनाया है, ये 100 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी। जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी मेरे पास नहीं पहुंची है, मुझे पता चला है कि वो बहुत ही मैसिव डॉक्यूमेंट है, और उसमें इंतहाई ग्राफिक तरीके से जो टॉर्चर्स हैं और सबको इन्होंने इलस्ट्रेट किया है। और ये हुकूमत अमरीका
उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये पब्लिश किया है। तो मैं चाहूँगा कि इस सिलसिले में पहले वलीद इकबाल साहब इन मौजूआत के ऊपर और उनकी सिग्निफिकेंस और उनकी बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें, फिर उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा अबू सर साहब से कि वो आपसे बात करेंगे। जी, ओवर टू वलीद इकबाल जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड, ये आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, फाइन। एक सेकंड। आपके इल्म में ही होगा मेरा ताल्लुक कानून और आईन के शोबे से है, नंबर एक। और नंबर दो, जो मेरी 6 साल की मुदत मैंने जो सेनेट में गुजारी उसमें से आखिरी 3 साल मुझे ये एजाज़ भी हासिल रहा कि मैं सेनेट, पाकिस्तान सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ की सदारत भी करता रहा हूँ। और ये मामला, ये जो पाकिस्तान की स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स या इंसानी हकूक़ की या क्या कैसी कैफियत है, ये अमेरिकी दफ्तर खारजा की जो रिपोर्ट है 2023 के बारे में, और ये अहम बात है कि ये रेजीम चेंज से बाद के सारे अरसे को कवर करती है। तो इसका ताल्लुक पीडीएम गवर्नमेंट और केयरटेकर गवर्नमेंट और वो तमाम जो कुवतें हैं जो उनके पीछे खड़ी हुई हैं, ये उनकी एक असेसमेंट है, ये उनकी कारकर्दगी पे तज्जिया है इंसानी हकूक़ के हवाले से। इंसानी हकूक़ एक इंतहाई संजीदा मामला है, अगर सदियों से नहीं तो कम से कम पिछले 75 साल से, जब से दिसंबर 1948 में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली ने एक करारदाद मंजूर की थी पेरिस में, जिसका नाम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, और उसमें वजह किया गया था कि एक इंसान होने के नाते, किसी भी मुल्क का वो शहरी हो, एक इंसान होने के नाते कुछ बेसिक, कुछ बुनियादी, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो कि दुनिया भर को मीट करने ज़रूरी हैं, जिन पे पूरा उतरना, एक मेयार पे पूरा उतरना ज़रूरी है, जिसमें इंसानी वकार या इंसानी डिग्निटी भी आती है, इंसानी प्राइवेसी ऑफ द होम, जिसको हम यहाँ पे अपने मुल्क में चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो है या तहफ़ जो है वो कहते हैं, मुख्तलिफ़ सियासी आज़ादियाँ, आज़ादी इजहार राय, बहुत से उसमें मौजूआत हैं और मामलात हैं। हमारे मुल्क के हद तक 1973 के आइन में पार्ट 2 का चैप्टर 1, जो कि हमारे आइन के आर्टिकल्स 8 से लेकर 28 तक हैं, उन्हीं में यही मिसाल जो कायम की है अक्वामे मुत्तहदा ने, उसको हमने भी अपनाते हुए अपने आइन का हिस्सा बनाया है उन अकदार को। हमने 2010 में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये एक बैनुल अक्वामी मुआहदा है जिसको पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनाया गया है 2010 की जून में, उसमें भी यही तमाम इंसानी हकूक और वही अकदार जो है उनका जिक्र आता है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है, जो पाकिस्तान के आइन में है, और जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में है, और यही वो मौजूआत हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो कवर हो रहे हैं। जो जितनी रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो 100 सफ़ात पर मबनी है, और उसमें 50-60 से ज़्यादा सफ़ात जो हैं वो इन मामलात के ऊपर हैं जो हम आपसे, जिनका तज़किरा आपसे हम करना चाहते हैं। आप इंसानी वक़ार या ह्यूमन डिग्निटी से शुरू कर लें तो किस तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और किस तरह से नाम लेकर भी बताया गया है कि PTI को और उसकी क़यादत को उसका निशाना जिस तरह से बनाया गया है, ख़ास तौर पर ज़ेरे हरासत जो तशद्दुद, टॉर्चर इन कस्टडी, कस्टोडियल टॉर्चर, और कुछ हवालों से अमवात भी हुई हैं कस्टडी के अंदर। 2022 से पाकिस्तान में कानून बना हुआ है जो ये कहता है कि जुर्म है किसी को भी ज़ेरे हरासत टॉर्चर करना, और अगर कोई ज़ेरे हरासत किसी की वफात हो जाए किसी तशद्दुद की वजह से तो वो दफ़ा 302 में सजाए मौत का वो जुर्म है। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस, और ये रिपोर्ट कह रही है, बाहर वाले हमको आईना दिखा रहे हैं क्या कि आपके जो कवानीन हैं, मैं, उन्होंने ये लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया लेकिन मैं तशबीह देता हूँ, ये क्या यही रहे हैं कि आपके कवानीन और आपके आइन, और हर मौजू को उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून से जोड़ के कि ये वादा करता है पाकिस्तान का आइन, ये वादा करता है पाकिस्तान का कानून, और उसकी पामाली की बात सिर्फ की हुई, और तो कोई ऐसा इंसानी हकूक का कोई मामला ऐसा नहीं है जिसके अंदर उन्होंने कहा हो कि जी पाकिस्तान की रियासत की कारकर्दगी जो है
वो किसी भी लिहाज से काबिल तहसीन है या तायद करती है उन वादों की, उन गारंटीज़ की जो हमारे आइन में जो है वो पाए जाते हैं। तो जो लफ्ज़ मैं कह रहा था उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये आपके कानून जो हैं ये खुशखती हैं। ये बात सिर्फ खुशखती हैं या स्टैट्यूट बुक्स पे पाए जाते हैं, इन पे कोई अमल दरामद जो है वो नहीं है। और प्राइवेसी ऑफ द होम, चादर और चार दीवारी का तकद्दस, उसको पामाल करने के हवाले से जो यहाँ पर बातें हुई हैं, अफसोस के साथ कि आपकी पुलिस जिसका फ़र्ज़ होता है तहफ़ करना, बरमला बग़ैर वारंट्स के लोगों के घरों में रेड करती रही है, और इसमें ज़िक्र है कि लोगों के जानो माल की तहफ़ करने वाला इदारा घरों से, लोगों के घरों से कीमती अशिया की डाका चोरी के अंदर जो है मुलव्वस पाई जाती रही है, रेड करने के लबादे के अंदर। और ये रऊफ़ साहब ने ज़िक्र किया, और ये भी कितने अफसोस और शर्म की बात है कि बाहर के दूसरे जो हैं आपको आईना दिखा रहे हैं कि जुर्म जैद ने किया है, आप पकड़ के बकर को ले जाते हैं क्योंकि वो उसका भांजा है, भतीजा है, बाप है, बेटा है, रिलेटिव्स को पकड़ना, इसका बरमला जिक्र है। फिर ये बात भी दोहराई गई है दो तीन दफ़ा इसके अंदर कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि असम्बलियाँ तहलील हों तो 90 दिन में इलेक्शन होना है, 2 असम्बलियाँ तहलील हुई इसमें जिक्र आता है आइन की पामाली हुई, कोई इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कोई इलेक्शन नहीं हुए। जिक्र आता है इसके अंदर कि फिर जब कौमी असम्बली और दीगर असम्बलियाँ जो उन 2 असम्बलियों के पंजाब और के पी के अलावा थी वो तहलील हुई तो 90 दिन के बजाय जो है 180 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन हुआ। और फिर ये तो आप देख लें कि जी कानून गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है, ये भी इसका जिक्र है। ये भी जिक्र है कि कानून और आइन का तहफ़ जो है वो आज़ादियाँ जो हैं वो दूसरी पार्टियों के लिए कुछ और हैं और PTI के लिए कुछ और हैं। आप असेंबली का या पुरमन इजतमा के हवाले से जो आइन में हमारे गारंटी है और जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स में जो पाबंदियाँ हैं, जो रिक्वायर जो गारंटीज़ दी गई हैं, किस तरह से सबको वो आज़ादियाँ मिल रही हैं और नाम लेके कहा हुआ है और महीने बताए हुए हैं, दिन बताए हुए हैं, मकामात बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ लोग जलसे करते रहे, PTI को जलसे करने की इलेक्शन का ऐलान हुआ हुआ है, जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई। बरमला MPO का इस्तेमाल, PTI की क़यादत, PTI के कारकुनान, ख़ास तौर पे KP के अंदर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस जो है 1960 का, उसका बरमला इस्तेमाल जो है, और पंजाब में भी ऑब्वियसली ये हुआ, मैं खुद उसके उसमें शिकंजे में आया था। और फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस, अभी न्याजी साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे, ये भी हमारा तो 2010 के बाद जो 18वीं तरमीम आई तो उसमें Article 10A आया फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के बारे में, लेकिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें आर्टिकल 10 में, आर्टिकल 11 में, फिर इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, उसके आर्टिकल 14 में हर एक को ये बुनियादी हक दिया गया है कि वो एक तो मासूम है जब तक कि वो बेगुनाह करार नहीं पाता, और दूसरा उसका एक फेयर ट्रायल होगा और खुली अदालत के अंदर होगा। ये दुनिया भर के अंदर जो है तस्लीम शुदा एक उसूल है। और आप देख रहे हैं कि ना तो ना सिर्फ के एक पाकिस्तान में आज भी एक इदारिये में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के बहुत से माजी में सरबराहान रहे हैं, सदर रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं साबिक, उनके ट्रायल जो हैं हमेशा खुली अदालत में हुए थे। एक पाकिस्तान का वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिसका ट्रायल खुली अदालत में नहीं हो रहा, और वो इमरान खान है, बानी चेयरमैन PTI। बंद कमरे के अंदर ना सिर्फ ट्रायल हो रहा है बल्कि अब उसके ऊपर भी मजीद पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि आप कोई बयान नहीं दे सकते, ये बयान शाया नहीं हो सकते। आज़ादी इजहार राय शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाती है। हम शफाफियत और एहतसाब का गला घूंट रहे हैं। इस रिपोर्ट की एक बहुत बड़ी सुर्खी ये भी है कि किसी का कोई एहतसाब, किसी अफसर का, किसी ओहदेदार का, इन ये जो 100 सफ़ों के अंदर जो, और जिसमें ख़ास तौर पे 60-65 सफ़े जो हैं वो सियासी आज़ादियों और इंसानी वक़ार और चादर और चार दीवारी और फेयर ट्रायल और इस तरह के मामलों के ऊपर है, किसी अफसर किसी अहलकार का एहतसाब नहीं हुआ। गलतकारी, आइन की पामाली, कानून की हुक्मरानी की धज्जियां उड़ना और इस पस्ती तक गिर जाना कि यहां पे जंगल का कानून है या माइट इज राइट का जो प्रिमिटिव
जो है डॉक्ट्रिन वो इस्तेमाल में आ रहा है, बहुत हमारे तो सर जो है शर्म से झुक जाने चाहिए कि ये कैफियत है और ये रिपोर्ट जो है इस तरह की बात कर रही है। और अमेरिका दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में से एक है, बहुत बड़ी जमहूरी निज़ाम जो है वो ये कहलाता है, सुपर पावर है। किस तरह पहुँचती हैं कौमें यहाँ तक? वो आइन बनाती हैं, अपने आप को आइन देती हैं और उस आइन के ऊपर अमल दरामद करती हैं। अमेरिका ही के जो हैं बुनियादी असूल उनके बानियों ने जो बनाए थे फेडरलिस्ट पेपर्स में, और आने वाली नस्लों में, हाल ही में एक बहुत बड़े दानिश्वर सुप्रीम कोर्ट जज उनके एंटोनिन स्कालिया ने भी ये करार दिया था, जो एक स्कूल ऑफ थॉट या मकतबा फिगर है जिसको ओरिजिनलिस्ट कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहा जाता है, कि अगर एक मुल्क अपने आइन पर अमल दरामद ना करे, जो कि ये सौ सफ़े की रिपोर्ट भरी हुई है मिसालों से, तो वो मुल्क उसका निज़ाम किस कैफियत में गिर जाते हैं? वो दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, टिरनी जबर और केओस यानी कि अफरा तफरी या इंतशार। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर। थैंक यू। थैंक यू वलीद। अबू सर ओवर टू यू सर। एक सेकंड बैठे। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ से रऊफ साहब ने छोड़ा और फिर वलीद साहब ने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, ये यूएस जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसका जो ब्यूरो है ऑफ डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स एंड लेबर, उसकी रिपोर्ट है 2022 से लेके 23 तक जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड जितने इंडिकेटर्स हैं उसको समराइज करता है कि इस मुल्क में क्या सिचुएशन है रूल ऑफ लॉ की। अब इसमें देखें ये हम ऑल्दो इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिख दी गई हैं, लेकिन आप लोग मीडिया का पार्ट हैं, ये हमारी जितनी सबमिशंस थी पिछले रिजीम चेंज के बाद से, 9 अप्रैल के बाद से जितनी हमारी सबमिशंस थी, कंटेंशंस थी, ये उस सब को सब्सटेंशिएट करता है। हमने जो कहा कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इस मुल्क में बुनियादी हकूक जो हैं वो पामाल हो रहे हैं, इस मुल्क में आइन को कुर्बान किया जा रहा है, इस मुल्क में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, ये उन सारी चीज़ों का एक सबूत है 100 सफ़े की रिपोर्ट के शक्ल में जो आपके सामने आई है। सो हमने जो बोला ये उसकी कॉन्टिन्यूशन है, और रिजीम चेंज के बाद इस मुल्क में फस्तायत का एक निज़ाम नाफिस किया गया है गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से। अब इसमें देखें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, आपने काफ़ी उम्र शायद पढ़ी हो पॉलिटिकल साइंस। अब एक रियासत जो होती है वो वजूद में कैसे आती है, इसको समझने की ज़रूरत है। रियासत एक इमरानी मुआहदा होता है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसको हम आइने पाकिस्तान भी कहेंगे। उसके आने के बाद जो आम सब लोग हैं, जितने शहरी हैं इस मुल्क के, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो आइन है कि हम एक रियासत बनाएंगे, बॉडी पॉलिटिक। उस रियासत के कुछ फ़राइज़ होंगे, उसके फ़राइज़ में जो तीन सबसे बेसिक फ़राइज़ होंगे वो मेरी ज़िंदगी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, मेरे माल की हिफाजत करना है, और राइट टू लिबर्टी, मेरी आज़ादी की हिफाजत करना है। रियासत बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि उससे पहले जो कानून था वो लॉ ऑफ नेचर था, वो लॉ ऑफ जंगल होता है, उसके अंदर जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर के जो उसके हकूक होते हैं उस पर कब्ज़ा कर लेता है, उनको वायलेट करता है। तो रियासत का मकसद है कि उसने मेरे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और ये मेरा आइन ए पाकिस्तान फ्रॉम आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28 बुनियादी हकूक बताता है हर शहरी का कि उसका रियासत की जिम्मेदारी है कि उसने उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर और रियासत के तीन सतून हैं, एक एग्जीक्यूटिव है जिसने लॉ इन्फोर्स करना है, फिर एक अदलिया है जिसने आइन और मुल्क लॉ की तशरीह करनी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी नज़र में इस आइन पाकिस्तान के तहत अगर अदलिया पे आती है तो वो आपके बुनियादी हकूक की प्रोटेक्शन है, उसकी प्रिजर्वमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है आपकी अदलिया ने, उसके आगे उसको गार्ड करना है।
अब हुआ क्या इस मुल्क में, ये रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपके बुनियादी हकूक सलब हो रहे हैं। सबसे पहले ये कहती है रिपोर्ट कि इस मुल्क में अनलॉफुल किलिंग और इन्फोर्स्ड जुडिशियल किलिंग जो है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो बिल्कुल रैम्पेंट है। इसका मतलब क्या है, मेरा जो आईन में आर्टिकल 9 है जो मुझे राइट टू लाइफ देता है उसको वायलेट किया जा रहा है। फिर आर्टिकल 14, इसमें 3 मेरे राइट्स हैं, राइट टू प्रिवेसी कि मेरे घर के अंदर बगैर वारंट के कोई नहीं घुस सकता, मेरी प्राइवेट लाइफ है, राइट अगेंस्ट टॉर्चर कि मुझे टॉर्चर नहीं कर सकती हुकूमत वक्त, फिर राइट टू डिग्निटी कि मेरी डिग्निटी है उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, अगर कोई मेरी डिग्निटी वायलेट करेगा तो ये तीनों आपके बुनियादी हकूक जो हैं इनकी ये पामाल होंगे। फिर आर्टिकल फ्री स्पीच की बात करती है रिपोर्ट कि इस मुल्क में कोई फ्री स्पीच नहीं है। आर्टिकल 19 है, मेरा बुनियादी हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि मैं बोलना जो चाहूँ मुझे बोलने दिया जाए, बोल के लब आज़ाद है मेरे। फिर आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन, आपने ट्विटर पे पाबंदी लगा दी, आपने मीडिया पे पाबंदी लगा दी, मीडिया को रिपोर्टिंग से रोक दिया, तो जो इंफॉर्मेशन लेना ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस मेरा राइट है आपने उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, देखें जितने भी बुनियादी हकूक है, एक तो राइट टू लाइफ है, ज़िंदा रहने का हक है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइट होता है जो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है वो होता है फ्री स्पीच। फ्री स्पीच में इस मुल्क में क्या हुआ पिछले 2 साल में, अरशद शरीफ साहब को इस मुल्क में दर्जनों FIRें की गई उनके ऊपर, उनको चेस किया गया, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा, फिर उनकी शहादत होती है, उस पर रिपोर्ट बनती है, एक FTT उन पर बनती है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनती है, सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेता है, वो अभी तक केस जस्ट जब से उसकी लास्ट हियरिंग हुई है उसमें महीनों हो चुके हैं लेकिन वो केस फिक्स नहीं हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे, उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई, नहीं हुई। अरशद शहीद साहब को, उनकी माँ को, वो चीखती रहती हैं, वो बोलती रहती हैं, वो अपनी इल्तजा रेस करती रहती हैं लेकिन उनको कुछ सुनने वाला नहीं है। फिर इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या हुआ, किसकी कस्टडी में रहे हैं वो इतना अरसा, हालांकि मुझे समझ नहीं आती जो हमारी अदलिया है जो बुनियादी हकूक की जामिन है उसने प्रोटेक्ट करने मेरे राइट्स को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग में अफसोस के साथ मेरे चीफ जस्टिस कहते हैं ये इमरान रियाज खान कौन है। उसके अलावा अभी आपने देखा असद तूर साहब के साथ क्या हुआ, मैं 3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों को भी थ्रेट्स आती होंगी, आप लोग मुझे पता है कितनी मुश्किल से कवर कर रहे होंगे। तो अगर एक मुल्क जिसमें बोलने की इजाज़त नहीं है तो क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री खोल के देख लें आप, जिस मुल्क में फ्री स्पीच नहीं आई उस मुल्क ने तरक्की नहीं की, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आया उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। आप जितने मर्जी पैसे मांग लें, जाके इधर से मांगे वहाँ से मांगे पैसे, कटोरा लेके जाएं, लेकिन जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे आप लोग तरक्की नहीं करेंगे। दुनिया से सीखें, उस मुल्क ने तरक्की की है इस दुनिया में जिसने सबसे पहले एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो है रूल ऑफ लॉ। अगर आप देखें, अब कल हमने जलसे अनाउंस किए गुजरांवाला में, CPO साहब है तैयब हफीज चीमा साहब, 19 घर गिराए उन्होंने ऑर्डर किया है, और हमने किया क्या, हमारा कसूर क्या था कि हम अपना एक बुनियादी हक जो मेरा राइट टू असेंबली, मैंने प्रोटेस्ट करना है कानून को और आइन के दायरे में रह के, और उसका जवाब क्या मिला, पुलिस ने 19 घर गिरा दिए। ये जमहूरियत नहीं है, ये आपने एक फसाद खड़ा किया हुआ है। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है आईने पाकिस्तान की शक्ल में, उसको आपने इररेलेवेंट कर दिया है, स्टेट की एग्जिस्टेंस इन क्वेश्चन आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप आईन की रिस्पेक्ट नहीं करते, आईन के जो बुनियादी हक है मेरे जो कोई मेरे से नहीं छीन सकता, आप उनकी इज्जत नहीं करते। आपके लिए आईन एक पीस ऑफ पेपर बन चुका है। जिस मुल्क ने आईन की इज्जत नहीं की वो हमेशा पीछे रहा है, पूरी दुनिया की एग्जाम्पल्स देख लें। जमहूरियत, जब तक जेन्युइन जमहूरियत नहीं आएगी, इस मुल्क की जो आवाज़ है जो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट अवाम का चेहरा है, अवाम जिसको वोट देगी, अगर आप उसको वहाँ भेजेंगे
तब भी आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर आएगा जो सिविलियन सुप्रीमेसी पे यकीन रखता होगा और उसको एक्सरसाइज करेगा। आप जब जाली मैंडेट के साथ एक वजीर आजम को बिठाएंगे पीएम ऑफिस में, तो वो ना इस अवाम के लिए खड़ा हो सकता है, अवाम को छोड़े वो अपने लिए भी नहीं खड़ा हो सकता। वो अपनी मर्जी का इंटीरियर मिनिस्टर नहीं अपॉइंट कर सकता, अपनी मर्जी का आईजी नहीं अपॉइंट कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जिनको इस मुल्क में मुसलत किया गया है, जिनके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है उनके पास अवाम का, लेकिन उनको आपने मुसलत किया है। और ये सारी चीजें, इसमें मैं एक चीज यहां पे, हमारी जुडिशरी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने बता दी है कि कितनी इंटरफेरेंस है इस मुल्क के अंदर, किस तरह जुडिशरी को इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए, और बिल्कुल किया गया। लेकिन उस पर जुडिशरी का रिएक्शन क्या था? और बींग द फादर ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही इज द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पाकिस्तान। जामिन है वो, उनकी ड्यूटी बनती है इस मुल्क के अवाम के बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट करें और अपने जजेस के साथ भी खड़े हों। अगर हमने रियासत के एक सतून को कॉम्प्रोमाइज होने दिया, उसमें इंटरफेरेंस होने दी, तो फिर हमें कोई इंसाफ देने वाला नहीं बचेगा। ये अभी आसमा जहांगीर साहबा की जो कॉन्फ्रेंस उनके नाम पे होती है, बड़ी बहादुर खातून थी, लेजेंड थी, उधर सैयद मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इंटरफेरेंस। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमें नजर आना चाहिए कि जुडिशरी रिएक्ट कर रही है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही बुनियादी हकूक की वायलेशंस पे। तो इस वजह से जब करेंगे तो खुद ही अवाम आपको, आपकी तारीफ भी करेगी, आपको अप्रिशिएट भी करेगी। इस वक्त इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं इन सबसे पूछूं, बताएं क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इस मुल्क में? मेरे ख्याल से शायद 99% लोग कहेंगे नहीं है। ये होता है, जुडिशरी कैन नॉट फंक्शन विदाउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पब्लिक। जुडिशरी का टेस्ट यही होता है कि पब्लिक उसको रेलेवेंट समझती नहीं समझे, पब्लिक गेज है। अब आपने ट्रायल्स किए इस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट होते हुए, हाई कोर्ट होते हुए, अड्याला में चार दीवारी के पीछे छुप के ट्रायल किए गए इमरान खान साहब के, और उसमें 12-12 घंटे की हियरिंग हुई। और यहाँ पे हमारी जुडिशरी जो जामिन है मेरे बुनियादी हकूक के इमरान खान साहब की, उसको देखती रही, वैलिडेट करती रही। क्या लोग सवाल नहीं करेंगे कि मुल्क में ज्यादती हो रही तो आप कहाँ खड़े थे? आप देखें, मार्टिन लूथर ने बड़ी प्यारी बात की थी, मुझे अपने दुश्मनों की बातें याद नहीं रहेंगी, मुझे याद रहेगा तो मेरे दोस्तों की खामोशी, जब मैं मुश्किल में था वो खामोश रहे। इस वजह से देखें, ये एक रिपोर्ट जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ हम ये कह रहे हैं, ये सब्सटैंशिएट करती है हमने जो अर्लियर जितनी बातें की, हम सब ने जो फेस किया, इस मुल्क ने जो फेस किए जितने मसले, उसको सब्सटैंशिएट कर रही है। और इसमें अभी वलीद साहब ने बात की, ये जो डीसीज हैं, जो हमारे डीआरओज भी बन गए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, अभी ये मैं 3 महीने के पहले के फिगर्स बता रहा हूं, 2200 एमपीओ ऑर्डर्स इशू हुए हैं पंजाब में पिछले एक साल में, और 700 एमपीओ ऑर्डर इशू हुए थे केपीके में। ये मैं सिर्फ आपको वो ऑर्डर्स बता रहा हूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, वोटर्स, लीडर्स के खिलाफ इशू हुए हैं। एक शख्स जो अपने घर में बैठा है, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा, उसको भी 30 दिन के लिए आपने जेल में डाल दिया एमपीओ ऑर्डर इशू करके। क्या इसको रोकने के लिए एक जज ने एक्शन लिया? सल्यूट मैं करता हूं जस्टिस बाबर सत्तार को, उन्होंने बताया कि अगर एक जज चाहे तो किस तरह बुनियादी हकूक के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, उनके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट हो गई, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे पेड कंटेंट चल रहा है इस वक्त, झूठा, बोगस, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं सल्यूट करता हूं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस को, जो जमीर के साथ खड़े हुए हैं, जो आइन के साथ खड़े हुए हैं, जो कानून के साथ खड़े हुए हैं। अगर ऐसे जजेस, 90% जजेस अगर हमारे पास ऐसे होते तो ये रिपोर्ट कभी पब्लिश ही ना होती, क्योंकि हमारे मुल्क की अदलिया हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स उन्होंने बताया जो हमारी हैं वो हम वायलेट कर रहे हैं।
आपके जीएसपी प्लस किट वो किस कमिटमेंट में मिला हुआ है कि हम ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करेंगे। अब मुझे एक चीज देखें, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी इंप्लीमेंट नहीं हुए, हाई कोर्ट को तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया इन्होंने। क्या कोई मुल्क जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस ग्रुप जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्या उसको लगेगा मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है अगर आप यहां के अदालतों के ऑर्डर ही नहीं इंप्लीमेंट करेंगे? अगर उसको कोई मसला होता है यहां पर किसी लोकल बिजनेसमैन के साथ और वो अपना कोर्ट जाता है, कोर्ट से ऑर्डर लेता है या आर्बिट्रेशन में चला जाता है, आर्बिट्रेशन को इन्फोर्स कराने आएगा इस कोर्ट में, उसको क्या गारंटी होगी कि इस मुल्क के मेरे ऑर्डर जो मेरे हक में आएगा इंप्लीमेंट होगा? तो क्या मैसेज दे रहे हैं हम दुनिया को? हमने इस वक्त चूज करना है वेदर वी स्टैंड विद द सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है, या हम ऐसे वर्ल्ड के साथ खड़े हैं जहां पे या तो बादशाहत है या वहां पे एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। हमें कायद आजम के पाकिस्तान में रहना है, हमें जमहूरियत में रहना है। मैंने हिटलर के पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने मुसोलिनी के पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने एक जमहूरी मुल्क में रहना है जहां अगर आप मेरे खिलाफ भी बात करें मैं पावर में बैठा हूं तो मैं आपको कुछ ना कह सकूं, आप भी मुझे क्रिटिसाइज करें मैं आपको कुछ ना कह सकूं, क्योंकि आपके मैं राइट की इज्जत करूं। इस वजह से खुदा का खौफ करें, इस मुल्क की जमहूरियत पर तर्स खाएं, लोगों को उनके बुनियादी हकूक दें, उन पर जुल्म ना करें। आखिर में मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बात मुझे इसमें याद आई, अब मैं देखें मैं क्या एक्सपेक्ट करूं इस जुडिशरी से। मिलिट्री कोर्ट्स का केस चल रहा है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब केस सुन रहे हैं, सलमान राजा साहब केस आर्ग्यू कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन है मिलिट्री कोर्ट्स, तो आगे से हमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब अब रिटायर हो गए, उन्होंने जवाब क्या दिया, ये बुनियादी हकूक हमें पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। जब हमारे जजेस को ही बुनियादी हकूक पर यकीन नहीं है तो मेरा और आपका क्या होगा? इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है काजी फायदीसा साहब से, उन्होंने बड़े अच्छे फैसले दिए हैं पास्ट में, बड़े बहादुर फैसले दिए हैं, हमें उन्होंने बताया कि मैं डेमोक्रेसी पे यकीन रखता हूँ, मैं लड़ूंगा जमहूरियत के लिए, प्रोटेक्ट करूंगा फंडामेंटल राइट्स। असतूर साहब पे हमला हुआ था, उनको फ्री स्पीच के प्याले दिए गए थे, बिल्कुल हमें इस तरह का चीफ जस्टिस चाहिए। अगर देखें हमें सब पता है इस मुल्क में क्या हो रहा है, वो मैं ख़त्म करूंगा, वलीद साहब ने तो पढ़ा होगा, मीर तकी मीर साहब का शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गोली ना जाने बाग तो सारा जाने है। थैंक यू। मैं दो तीन मिनट लूँगा, कुछ दो तीन ऑब्जर्वेशन हैं और कुछ सवाल हैं जो कि मैं रेज करना चाहता हूँ ताकि बारे रहे। वलीद साहब ने और अबूजर साहब ने बड़े खूबसूरती से इन्होंने सारा जो चीज रिपोर्ट है उसके कंटेंट्स को एक्सप्लेन किया है और उसको कंटेक्चुलाइज किया कि किस तरीके से डायरेक्टली ये हमें इफ़ेक्ट कर रही है, हमारे हकूक को इफ़ेक्ट कर रही है। देखिए इस मुल्क में इस वक्त दो ताकतें हैं, एक वो ताकत है जो कि हमें नज़र आ रही है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई गवर्नर है, कोई ये है कोई वो है, ये वो ताकत है जो हमें नज़र आ रही है, लेकिन इनके पास ताकत नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते, ये मफकूद हैं, ये डमीज़ हैं, इनकी तनाबें कहीं और से खींची जाती हैं। और दूसरी ताकत वो है जो कि जिनके पास असल ताकत है लेकिन वो सायों की शक्ल में नमूदार है, वो हमें नज़र नहीं आती ना वो सामने आना चाहते। ये वो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि जिसकी वजह से इस वक्त इन तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, फ्रीडम्स की वायलेशंस के साथ साथ एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होया हुआ है मुल्क में। वैसे तो देखने को जमहूरियत है लेकिन असल में डिफैक्टो मार्शल लॉ यहाँ इस वक्त मार्शल लॉ रिजीम यहाँ चल रही है और ये डमीज़ जो हैं ये उस शख्स वाहिद की दिक्तात जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है ये बताए बगैर कि ये क्या कर रही हैं। वैसे तो पार्लियामेंट भी मौजूद है लेकिन वो टोटली पावरलेस है। जुडिशरी के बारे में मेरे दोस्त भाई अबूजर ने बात की है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म होना चाहिए इन द सेंस के जी अगर आपने जमहूरियत नहीं रखनी तो फिर कह दें, ये डिफैक्टो जो है इसको बड़े से लोगों डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी इसी जुडिशरी की कॉइनेज है जिसमें कि ये व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कि ये जी कि जुर्म तो हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन तो वायलेट हुआ है, लेकिन चूंकि हो गया है जुर्म, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो गया है इसलिए हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इसके कि इसको हम लेजिटिमाइज करें। ये पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चार दफ़ा हुआ है।
इसके अलावा आज भी जो आपके सामने खेल खेला जा रहा है वो यही है कि वो अन वो जो साये जो हैं जो हमारे ऊपर ताकत की शक्ल में कहीं विराजमान है और नज़र नहीं आते, ये उनके जो अकायद हैं या उनके जो अहकाम हैं उसकी तकलीद करना या उनको 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 इम्प्लीमेंट करना, ये इसी कानून के तहत ही हो रहा है कि जी हम उस ताकत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो मेरे कुछ सवालात हैं। देखिए, रियासत के बेसिकली एस्टैब्लिश तीन सतून हैं, तीन, एक चौथा जो आप बैठे हुए हैं टेंटेटिवली द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, तीन। लेजिस्लेचर जो है वो रिग्ड है, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो डिज़र्व नहीं करते वहाँ, क्योंकि वो इलेक्शन जीत के नहीं आए बल्कि उन सायों की पेटनेज के अंडर वहाँ वो बैठे हुए हैं। सो उन्होंने ये नहीं करना कि ये कानून ऐसे बनाएं जो कि ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन करें, वो सिर्फ वो करेंगे जो कि उनको ऑर्डर किया जाता है। सो चूँकि डोमिनेंट जो डोमिनेंट प्रेजेंस है उन्हीं लोगों की है, इसलिए वो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने की पोजिशन में नहीं है। इसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव आता है। एग्जीक्यूटिव की जो स्टेटस है वो छह जजेस के लेटर में बड़ी क्लियरली डिफाइन की गई है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव ना सिर्फ कंप्लिसिट है क्राइम में बल्कि एग्जीक्यूटिव जो है वो परपेट्रेटर भी है क्राइम का, वो क्राइम वो तमाम क्राइम्स जिसका जिक्र अबू ज़र ने भी किया है, और वो लेटर जो छह जजेस का है उसमें बड़ी एक्सप्लिसिटली उसका जिक्र किया गया है, जिसको आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट दबाने की कोशिश कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि जब वो लेटर आया तो उसके तहत एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस की जाती जिसमें बाकी लोगों को बुला के, बाकी जजेस को बुला के उनके एहसासात, उनके तासुरात और उनके कमेंट्स भी लिए जाते कि कितनी, हाउ डीप रूटेड इज दिस मैलेडी ऑफ इंटरफेरेंस इन अफेयर्स ऑफ द जुडिशरी। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो कि कंप्लिसिट है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, उसी को एम्पावर कर दिया गया जी कि आप जाइए जाके कमीशन बनाइए, आप जाके कमीशन का हेड भी बनाए। वो तो वी ग्रेटफुल टू द पर्सन हु वाज नॉमिनेटेड एज दी हेड ऑफ द कमीशन के उन्होंने कहा जी कि मैं इन टीओज पे काम नहीं कर सकता तो ये मामला आगे बढ़ा है। लेकिन अभी तो ये जो एग्जीक्यूटिव भी कंप्लिसिट है जुर्म में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में, फ्रीडम्स की वायलेशन में ये कंप्लिसिट है। और तीसरा जो आपका पिलर है वो है जुडिशरी। तो आजकल हमारे जो चीफ जस्टिस साहब यहाँ बैठे रहते हैं, सुने उनकी आंखें देख नहीं सकती, उनके कान सुन नहीं सकते और उनकी जुबान बोल नहीं सकती। ये है हमारा वो शख्स जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ है। ये इंसाफ देने की बजाय इंसाफ की वायलेशन में पार्टनर बना हुआ है। ये भी उन सायों के ऑर्डर के ऊपर ऑपरेट करता है। ये जो देखी हुई ताकतें हैं वो भी नहीं पावरलेस है, जैसा कि मैंने कहा, ये अपने इनहेरेंट प्रिंसिपल्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करने की बजाय ये अहकामात के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। जहाँ मेरे दोस्त ने, अबू ज़र ने ये बताया है कि इन्होंने कोई अच्छे फैसले किए हैं, वहाँ लेट्स नॉट फॉरगेट कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो फैसला था वो भी इन्होंने किया है, जिसकी बेसिस के ऊपर कुछ इनके खिलाफ रेफरेंस भी गया था, और उस रेफरेंस को मेरिट पे डिफेंड करने की बजाय इन्होंने इम्यूनिटी लेने की कोशिश की थी और इनको दी गई। फैज़ाबाद धरने का जजमेंट भी देख लीजिए, वो भी कॉम्प्रोमाइज जजमेंट है इनका। तो इनके जो फैसले जो हमारी नज़र में जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं तब तो ये रेप्रीहेंसिबल हैं। ये बिल्कुल एक बाईस्टैंडर के तौर के ऊपर, एक तमाशबीन के तौर के ऊपर खड़ा हुआ है ये चीफ जस्टिस, रादर देन दिस कि जस्टिस इंसाफ के तकाजे पूरे करे, आइन के तकाजे पूरे करे, लोगों की इज्जत और जानो माल को प्रोटेक्ट करे। ये उसकी वायलेशन में एक पार्टनर बना हुआ है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। हमारी डिमांड इससे ये है कि ये चला जाए। अगर ये इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर सकता पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, तो इसका कोई मकाम नहीं है वहाँ बैठना, इसको छोड़ देना चाहिए। और यही हालत आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक बात बताऊं। 9 मई को वो ट्रेजिडी हुई थी जिसके बाद रियासत का सारा जबर और फस्ताइयत जो था वो अनलीश की गई थी पीटीआई के ऊपर। 25 मई को हमने एक पिटिशन मूव की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो हुआ है इसके बारे में इसको सुना जाए और एक जुडिशल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 25 मई 2023, आज हम मई में दाखिल हो रहे हैं 2024 में, एक साल से इस शख्स ने
उसको एक कुशन के तौर के ऊपर अपनी सीट के ऊपर रख के उसके ऊपर बैठा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। शर्म आनी चाहिए, शर्म का मकाम है ना सिर्फ चीफ जस्टिस के लिए बल्कि तमाम जुडिशरी के लिए कि उनका सरबरा इस किस्म का काम कर रहा है। इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी पिटिशन हैं जो उसके पास पेंडिंग है जिनको वो फिक्स नहीं कर रहा। इसी तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी हमारी पिटिशन को फिक्स नहीं कर रहा। तो क्या हमारी तकदीर में ऐसे लोग लिखे हुए हैं? तो ये एक लम्हा फिक्रिया मेरे दोस्तों भाइयों आपके लिए भी, क्योंकि आपके बारे में भी इसमें तकरीबन 10-12 पेजेस जो है ना वो उन्होंने डिवोट किए हुए कि किस तरीके से आपकी फ्रीडम्स जो है उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, आपको उनसे डिप्राइव किया गया। ये हम भेज रहे हैं आपको, ये देखिएगा। और मैं इंशाल्लाह ताला अनक्रीब जबकि कम्प्लीट वॉल्यूम हमारे पास आता है तो मैं चाहूँगा कि दोबारा आपसे इंगेज करूँ, दोबारा आपके साथ बातचीत करूँ अपने इन्हीं दोस्तों के साथ। बहुत मेहरबानी आपकी, कोई सवाल हो तो हम हाज़िर हैं, मेरे दोस्त हाज़िर हैं, पूछ लीजिए। वज़ारत खारजा ने उसके स्पोक्स पर्सन ने रिजेक्ट किया है जी, तो वो तो वो मेरे भाई उनके पास ऑप्शन क्या था सवाई इसके के रिजेक्ट करने के? मैं दुआ दे देता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, ये ऐसे ही है अफसोस के साथ, ये ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा हूँ। मैं क्योंकि मेरे फाजिल साथी ने यहाँ पे मीर तकी मीर का एक शेर पढ़ा, मेरे जहन में जो मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं उसके हवाले से अलामा इकबाल का भी एक शेर है जो काबिल गौर है और इस मौजू पे लागू होता है, और ये 100 साल 125 साल पहले उन्होंने लिखा था कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और खुदा के बंदों से प्यार का जो फुकदान यहाँ पाया जा रहा है ये रिपोर्ट उसकी आईनादार है। और पाकिस्तान की करंट तकदीर के ऊपर फैज साहब ने भी एक लिखी थी, वो यौम आज़ादी के ऊपर, ये दाग दाग उजाला ये शब गुजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं फलक के दश्त पर तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना है गम दिल। तो भाई ये चल रहा है 76 साल से, ये रुकने को आ नहीं रहा इन्हीं मुजरिमों की वजह से जिनको पिन पॉइंट हमने किया है, खासकर जुडिशल क्रिमिनल्स जो बैठे हुए हैं हमारे पास। शुक्रिया जी।